गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज रक्षाबंधन है तो आप लोग शायद बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं अपनी ससुराल में हूँ, रात ही आ गई थी, कुछ शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ही शूट करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए रक्षाबंधन का ब्लॉग लेके आई हूँ, सो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:00, 7 बज रहे हैं, हम लोग सो के उठ गए हैं। चीकू ले और उसके पापा अभी सो रहे हैं, वो बोले मुझे सबसे लास्ट में उठाना क्योंकि रात इतनी लेट आए थे हम लोग, 11 बजे आए थे और फिर बातें करते करते 1:30-2 बजे सोए थे, तो बहुत देर हो गई थी, आँख नहीं खुल रही थी। तो हम लोग बस सब लोग फ्री हो रहे हैं क्योंकि जो मेरी दीदी हैं यानी कि सिस्टर इन लॉ जो है उनको जाना है जल्दी, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी फ्री हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं ताकि उनसे राखी करा पाएँ। तो गाइज उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगी। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दे रही हूँ क्योंकि रक्षाबंधन का मेरा यूट्यूब पर पहला ही ब्लॉग है। मेरे यहाँ रक्षाबंधन नहीं होती है, मैं राखी नहीं बांधती हूँ अपने भाई के, शुरू से ही नहीं होती है, इसलिए मुझे कुछ इतना पता नहीं है कि क्यों नहीं होती है, शुरू से नहीं होती है, हमने कभी नहीं बांधी है। तो मैं जाऊँगी क्योंकि मैं अपनी दीदी के घर जाऊँगी, जो मेरी दीदी की बेटियाँ हैं वो चीकू को राखी करती हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगी, फिर थोड़ा मम्मी से भी मिल के आऊँगी। जब आई हूँ यहाँ पर तो सबसे मिलकर ही जाऊँगी, इसलिए मैं घर जाऊंगी, वरना मैं रक्षाबंधन करने नहीं जा रही हूँ अपने घर। तो बस यहाँ पर हम लोग राखी वाखी कराएंगे, उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी। तो कुछ ऐसा ही रहेगा आज का दिन, आप लोग प्लीज़ पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। तो चलिए अब मैं नहाने जा रही हूँ और फिर मुझे तैयार भी होना है, मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो गाइस, ये देख सकते हैं आप, कैसे सो रहा था मैं, पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से कहाँ रहती हो? नहीं बताओगी? अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? यति शर्मा, पूरा बोलो। यति शर्मा। अच्छा, कहाँ रहती हो, घर कहाँ है आपका? अच्छा देखो, और इनका देखो नाम है, इनका नाम है चीची चीची और इन्होंने ये कपड़े पहने हैं, इन्होंने ये देखो एक हाथ की बाजू इसमें लगी हुई है और एक हाथ की इसमें लगी हुई है, और ये देखो मुझे लग रहा है इन्हें इनकी मम्मी ने थोड़ी सी एक कपड़े में ही दो काट दी है। रेडी हो गए ससुराल जाने के लिए? हम तैयार हैं, चीकू संग बाजार जाएंगे, चीकू को लेकर हम बाजार जाएंगे। और ये हमारे बड़े भैया हैं जो ससुराल जाने को बहुत ही एक्साइटेड हैं और सुबह ही 6 बजे तैयार हो चुके हैं। हाँ, ये माधव है। यहाँ पर मैं और दीदी तैयार हो रहे थे, हम लोग सबसे पहले नहा लिए थे क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तैयार होने में वक्त लगता, तो हमने सोचा हम पहले नहा के जल्दी से तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें जल्दी राखी करके निकलना था। ये रही दीदी और ये दीदी का फुल लुक है, इन्होंने आज साड़ी पहनी है बहुत ही प्यारी सी पिंक कलर की, अच्छी लग रही है ना। और हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अब रक्षाबंधन करने के लिए। ये रहा मेरा फुल लुक रक्षाबंधन का, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने सिंपल सा सूट वियर किया है, आज गर्मी है ना तो कॉटन एकदम परफेक्ट। एंड गाइज वी आर रेडी फॉर रक्षाबंधन और दीदी अपनी प्लेट लेकर बिल्कुल तैयार खड़ी है कि आओ मेरे भाई और राखी बनवाओ। और ये देखिए सबसे लेट लतीफ वाले इंसान मोहित शर्मा, और भाभी अपने मायके जाने के लिए इतनी एक्साइटेड है कि बोल रही है जल्दी बांधो मेरे, मैं जाऊं अपनी मम्मी के घर। चलो भाई जल्दी आओ, हमारे ही बांधो, हमें भी जाना है चीकू के नानी के घर। चीकू इधर देख, मम्मा को देख ले, चीकू आइस लो आइस। हाँ जी, अरे इतनी प्यारी राखी आई है चीकू की, वाओ ओ वाओ। देखो मुंडा, ओहो भाई कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना चीकू आज स्मार्ट लग रहा है नहीं। कौन से
फाइनली राखी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था और बारी बारी से सबके राखी बांधी जा रही थी। सबसे पहले सबसे बड़े वाले भैया की हुई थी राखी, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, फिर सबके हुई थी। यहाँ इन लोगों का फोटोशूट चल रहा है, मेरी रक्षाबंधन स्पेशल फोटोशूट है ये, और फोटोग्राफर हमारा हमने अरे खींच है तुम तो यार, स्पेशल डिमांड में बुलाया फोटोग्राफर, वो खेल रहा है अपनी वीडियो के साथ। कुछ न्यू मेंबर्स अब फोटोशूट के लिए ऐड हो गए हैं इसमें, जगह कम पड़ गई यार। अब ये नई हमारी फोटोग्राफर आ गई हैं, पुराने वहां शिफ्ट हो गए हैं। मेरा जिसका गिरा भैया नाश्ता आ चुका है रक्षाबंधन के बीच में। भाभी ने पोहा बनाया है, देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है, खाएंगे। पहले राखी बंधवा लें, राखी बांधनी है ठीक। चीकू वो उसका दिमाग अभी खाने में है, तो मैं भी देंगे हम लोगों की राखी होने के बाद फिर बारी बारी से बच्चों की राखी हुई थी। ये माधव है घर का सबसे बड़ा बच्चा, एंड उसके बाद फिर ये श्रेष्ठ है माधव से छोटे, और लास्ट में सबसे छोटा हमारा चीकू है। तो सब बच्चों की राखी हुई थी, पहले बुआ ने की थी इन बच्चों की राखी, फिर उनकी जो दीदियाँ हैं बहनें हैं उन लोगों ने सबने राखी की थी। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। ये है हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, जिनको दीदी अपने साथ लेके आती हैं। ये दीदी के लड्डू गोपाल हैं, तो ये साथ में ही उनके आते हैं। एंड हम लोग निकल रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने माइक के, और दीदी जा रही हैं। ये है सोनी की चेहरे की खुशी, ससुराल जाने की, ये जा रही है अपने ससुराल, मैं जा रही हूँ माइक, मैं ससुराल जाने के लिए इतनी खुश हूँ माइक जाने के लिए। नहीं नहीं, 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 नहीं
फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर और जो मेरी नंद है वो अपने मामा के घर जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ही गाड़ी में बैठ जाओ, रास्ते में ही घर पड़ेगा, हम तुम्हें छोड़ते हुए निकल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग उनके साथ ही जा रहे हैं और उन्होंने हमें रास्ते में छोड़ दिया था और मैं अपनी दीदी के घर पहुँच गई। और ये देखिए, बहन से मिलने की खुशी, कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी मुझे बहन से मिलने की, और बहुत दिनों बाद मिले थे, अच्छा तो लगता है बहन से मिलके। ना मैं ब्लॉग में शूट ना कर देंगे ये। दीदी के किस कर लो, दीदी के किस कर लो, प्यार कर लो दीदी को, प्यार कर लो जी को, प्यार कर लो दीदी को। अच्छा बड़ी दीदी को कर दो, बड़ी वाली दीदी को कर दो। अरे वही वाह, हेलो नमस्ते, वेलकम जी को। मैं अरे चीकू, अरे ज्यादा चीकू तो याद होता बड़ा है शो, मैं शो। ओ अच्छा चीकू है तो हट गया भैया हमारा, बड़ा मैं शो, बड़ा चीकू। अरे चीकू है तो हट गया भैया, बहुत बड़ा गुंडा निकला। दीदी के यहाँ पहुँच के बहुत सारी गपशप की, फिर उसके बाद हमने राखी बांधने का प्रोग्राम स्टार्ट किया। रक्षा ने सबसे पहले अपने पापा के राखी बांधी थी और फिर किजी ने बांधी थी अपने पापा के। जो किजी को हम चॉकलेट लाए रक्षा को दे देना वासी। अच्छा चल रहा है इससे, देखिए एक और टैडी मिल गई आपकी। अच्छा ठीक है, एक चैनल देखो एक बार। वाह ये कितना पड़ा हुआ है, इतना पकड़ा है ये। चीकू को आइसक्रीम पसंद है, कौन सी लाइए एक करके दोस्तों, एक करके पता चलेगा ना। ओ मैगी पसंद है चीकू को, ओ ये भी बहुत पसंद है, ये भी खा लेगा। कैसे क्लास में पिया मैंने, बहुत थोड़ी सी देना ऐसी वाले में कप में दे दो, नीला वाले कप में पीने वाले। मुझे हाथ में लगाया बस, ले कीजिए तू पता नहीं खुला मत आ रहा यहाँ पर धीरे धीरे। सो गाइस हम लोग खाना खा रहे हैं अब और जीजी ने बहुत सारे पकवान बनाए हैं। तुमने कुछ करा, तुमने कुछ बनाया? हाँ, मैंने बनाया। कराई मम्मा की, चीकू रो रहा है कि मुझे भी खिलाओ, देख बहुत खाना देख के रो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ जीजी ने आज क्या क्या बनाया, बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें बनाई है, मन कर रहा है मेरा खाने का, है ना। इतनी सजी हुई थालियाँ तो इस्लाम नगर में मिलती है, एक बात तो है। इतने मैनर्सफुल, और ये है रायता खीरे का, मटर पनीर, कद्दू की सब्जी, सूखे आलू, पूड़ी एंड सैलेड। वाओ सो यमी, मेरा तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। फिर इन लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। ये जीजा जी के फ्रेंड थे जो कि आए हुए थे, और मोहित और जीजा जी ये सब लोग पहले खा रहे थे, फिर हम लोगों ने हम बाद में खाया था। फेस्टिवल के बहाने सब लोगों से मिलना हो जाता है, अच्छा लगता है, सब लोग मिलते हैं फेस्टिवल्स पर। डांस करो, हाँ मौसम था।
यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ ने सरप्राइज ही दे दिया, क्योंकि वो दीदी के घर आई थी सडनली, वो इधर से निकल के जा रही थी, तो हम लोगों ने उनको बुला लिया घर पे और अच्छा लगा वो लोग आए तो। वेलकम वेलकम वेलकम। आज नई उनके आई नई मामी के घर। हाँ मामी के घर जा रहे हैं। वाओ बड़ा हो जाएगा। नहीं वाह बहुत सुंदर लग रहा है प्रेक्षक, तुम्हारी मैश होता एकदम। और ये आ गए हैं भैरवपन की दुनिया, ये हमेशा अपनी चीज खराब करते हैं और मारते हैं सबको। और इनकी चोटी बताइए कैसी लग रही है यूट्यूबर्स नहीं प्यारे सब्सक्राइबर्स जो भी है, है ना यूट्यूबर्स, यूट्यूबर तो मैं हूँ। okay. तो कहना कमेंट, बोलो कमेंट करना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना अगर मैं शो अच्छे लग रहे हो तो, like. मैं शो अच्छे लग रहे हो तो। शाम को फ्री होकर हम लोग गए थे मोहित के फ्रेंड के घर, क्योंकि फेस्टिवल्स पे सबको छुट्टियां मिलती हैं, तो वो भी आए हुए थे। वो सिक्किम में रहते हैं, उनका फोन आया था, उनका नाम है सलमान। तो हम सलमान भैया के घर गए थे शाम को। मोहित के बहुत क्लोज़ और पुराने फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इन दोनों की, ये अक्सर बात करते रहते हैं फ़ोन पे। तो मोहित ने मुझे फ़ोर्स किया कि चलो यार मिल के आते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग गए थे। और फिर उनसे मिल के मेरे पतिदेव को बहुत खुशी हुई, तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है आपकी खुशी के लिए चलती हूँ। तो ये उनकी वाइफ है, उनके पास भी एक बेटा है जो कि चीकू से बहुत बड़ा है। तो वो खेल रहा था और चीकू हमारा सो रहा था, उसको बहुत नींद आ रही थी तो वो सो गया, उसको ठंडी ठंडी कूलर की हवा मिली तो वो सो गया था। फिर हम लोग थोड़ी बहुत देर वहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड किया, फिर हम लोग जब दो मिले यार। सो गाइज बहुत अच्छा रहा आज का रक्षाबंधन का दिन, बहुत एंजॉय किया ऑब्वियसली, जब सबसे मिले थे तो एंजॉय तो करना था। और तुम यहीं बैठी रहोगी परीक्षा? कोई बात नहीं बैठी रहो, रक्षा को भी अच्छा लग रहा है कैमरे में आना, तो कोई नहीं बैठी रहो। तो गाइज बहुत अच्छा लगा आज। हम लोग अभी फिलहाल दीदी के यहाँ हूँ मैं, आज यहीं पर रुकने वाली हूँ और करीब रात के 8 बज रहे हैं। हम लोग अभी मोहित के फ्रेंड के यहाँ गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूँ। अभी आई हूँ, थोड़ी देर मम्मी से भी मिलके आई थी, मेरी मम्मी भी यहीं रहती है, मेरी दीदी भी यहीं रहती है, मतलब एक ही जगह रहती हैं दोनों लोग। तो आज वैसे मैं दीदी के यहाँ रुकी हुई हूँ, कल मम्मी के जाऊँगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी मम्मी से मिलने गई थी और मोहित के फ्रेंड के यहाँ गए थे। अभी आए हैं हम लोग, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत बिजी हो गया, बहुत थक गए, आप लोगों से सही से बैठ के बात ही नहीं हो पाई। तो गाइज मेरा तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आई होप आप लोगों का भी बहुत अच्छा रहा होगा। और आज हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत इंजॉय किया, बहुत खाया पिया। आज मेरा कम से कम 1 किलो वजन बढ़ गया होगा, मैंने आज इतने मिठाई के पीस खा लिए हैं सच में एक ही दिन में। वैसे मैं एक खा लेती हूँ कभी कभी, तो बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, और आज तो मैंने 5-6 पीस खा लिए मिठाई के। जो देखो मिठाई, जो देखो मिठाई, कितनी मिठाई खा ली हूँ। कितनी गर्मी लग रही है यार, क्योंकि उधर चीकू सो रहा है, सो नहीं रहा है सॉरी खेल रहा है, अभी सो के उठा है, खेल रहा है। तो मैं थोड़ा दूसरे रूम में आ गई थी, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि वो फिर कंटिन्यू शोर मचाता ही रहता है, बोलता ही रहता है, तो आप लोगों से मैं सही से बात नहीं कर पा रही। हमें भी मारता रहता है, और इन्हें बहुत मारता है बेचारी, मेरा बच्चा बहुत मारता है, वो दीदियों को अपनी, उसके हाथ चलते भी बहुत है, वो हमें भी मारता है, इन लोगों को भी मारता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा रहेगा बिल्कुल कि कितना सीधा बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा, अभी छोटा है बहुत। तुम बहुत बड़ी हो गई, और प्रेक्षा ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं चीकू को, बहुत सारी खाने की चीज़ें दी हैं, कम से कम 2-3 महीने का जुगाड़ हो चुका है चीकू का, एक बैग भर चुका है उसके चॉकलेट्स मैगी ये वो क्रैक्स वैक्स इन चीज़ों से। तो 2-3 महीने का हम स्टॉक लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइज अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों ने मेरा पूरा ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, है ना प्रेक्षा? बोलो मेरी मासी का चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, बोलो मेरी मासी का चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। हाँ कमेंट भी करो कि आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने अच्छे लगते हैं। सो गाइज
चलिए चलते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।